उनसे बुद्ध की वह स्थल जिसके बारे में रघुवंश जी ने चिट्ठी करके लिखा, वो आप वहां से जबरदस्ती ले गए और आपका विरोध हुआ, आप राजगीर ले जाना चाहे और पटना में ला के रख दिए। आपको औकात क्यों नहीं होती है लौटा के देने की? वैशाली के धरोहर को नीतीश कुमार ने चोरी किया। नीतीश कुमार के लिए सिर्फ नालंदा राजधानी है, इसलिए नीतीश कुमार सिर्फ नालंदा के मुख्यमंत्री हैं और कहीं के नहीं, और वो भी सिर्फ एक जाति के, और जाति में भी पर जाति के, दूसरे किसी जात के नेता नहीं बन पाए और ना बिहार और बिहारी के नेता बन पाए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने जितना गंदी राजनीति, दूसरी बात नरेंद्र मोदी को याद आता है कि हम उसका काम पूरा करिए। अरे नरेंद्र मोदी सरकार आपकी है, मनरेगा को किसानों के खेत में दे दो, मैं भी डिमांड करता हूं, और मनरेगा के राशि को बढ़ाओ, ये मेरा डिमांड है। जिन बातों को रघुवंश बाबू ने उठाया जब वो मंत्री थे तब भी उनकी सपना थी, और पहला आदमी था बिहार में जो कहा था रघुवंश बाबू बिहार का मुख्यमंत्री बने वो पप्पू यादव था, और मैंने कहा था नेतृत्व करे लालू यादव के बाद, लालू यादव के बाद नेतृत्व करने की क्षमता सर्वहारा वर्ग और गरीबों की किसी में थी, वो रघुवंश बाबू थे आरजेडी में, और यह सवाल पप्पू यादव ने कहा। और आज वोट की राजनीति के लिए इतना गंदा खेल, लास्ट पर एमएलसी बनाएंगे जा रहे नीतीश कुमार, इस तरह की खेलना, ये जो चिट्ठी है नीतीश बाबू, इस चिट्ठी का इस्तेमाल मत करिए। आपका चिट्ठी जॉर्ज का है, शरद का है, गप्पू साहब का है, जितना लात मारा है ना, सच्चाई है उतना राजनीतिक में कोई लात नहीं मारा, लोगों को सम्मान देने में कोई कमी बाकी नहीं रखी। इसीलिए मनरेगा का डिमांड पप्पू यादव का, अभिनव नीतीश कुमार जिस बुद्ध के सबसे बड़े धरोहर को वैशाली से लाए, कल तक आप वैशाली लौटाए, अन्यथा आप राजनीति गंदी खेल मत खेलें। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा नीतीश और नरेंद्र से, हर सूचांक पर बिहार सबसे पीछे है, 15 साल में क्या हुआ? अगर आप काम किए तो सुशील मोदी के नाम पर लड़िए, जिन्हें सृजन घोटाला किया, औकात है ना, आप काम किए हैं तो आप सुशील मोदी के नाम पर मुख्यमंत्री में लड़िए, और नीतीश कुमार आपने काम किया है तो मैं चुनौती देता हूं, आप अकेले चुनाव लड़िए, औकात का पता चल जाएगा। बस औकात बता रहे हैं ये लोग बिहार को हर दिन 290 करोड़ फीस पुरानी, हमारी सरकार आएगी तो तुरंत किसानों के रोजगार के साथ मनरेगा को जोड़ेंगे। बिहार हर परिस्थिति, और हमारी सरकार आएगी वैशाली केसरिया को वर्ल्ड हेरिटेज का, पूरी की पूरी पर्यटन विभाग को दुनिया का केंद्र बिंदु बनाएंगे। बिहार सबसे ज्यादा बजट मेरा पर्यटन विभाग पर होगा, और दुनिया की सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान होगी बिहार को, नंबर 1 बनाएंगे सिर्फ पर्यटन स्थान से।
जिन किसानों को जिसने मार दिया वो बात करते हैं किसानों, ब्याज और सूद वसूलने वाला ये सरकार। इसीलिए आपको कुछ पूछना हो सकता है निश्चित रूप से, लेकिन जो सम्मान लालू यादव ने दिया वो लालू यादव के परिवार नहीं दे पाए। दोस्तों 53 और 56 के कॉज पर रघुवंश बाबू जैसे धरोहर का अपमान नहीं हो सकता। तो इतनी औकात है तो एक भी अपराधी को टिकट मत दीजिए। अपराधी के नाम पर चिट्ठी शुरू हुई ना, औकात है तो एक भी बालू माफिया, जमीन माफिया और 47 56 वाले को बोलिए नीतीश को टिकट नहीं दे रहे।